Assalamu alaikum class 7, hope you all are fine. Today we are going to study chapter number 8, transmission of heat, and the topic is convection. Last time aap logon ne conduction padha tha, and now we are going to study the convection. So class, convection ko hum start karenge from the example. As liquid and gases mein hum convection ka process dekhte hain. Convection basically hota hi liquid and solid, liquid and gases mein hai, because uske particles ke darmiyan mein spaces maujood hoti hain. Un spaces ki wajah se uske particles randomly move kar sakte hain. So solid mein aisa nahi hota, solid mein particles ek dusre se takra kar vibration kar dete hain, but movement show nahi karte. So class humne ek beaker liya aur usme humne pani dala. पानी में हमने मूवमेंट देखने के लिए हम लोग उसके अंदर पेपर के कुछ पीसेस बहुत छोटे टुकड़े करके डाल देंगे सो दैट वी कैन सी द मूवमेंट ऑफ द पेपर्स एज एन एग्जांपल ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर सो क्लास जैसे ही हमने स्पिरिट लैंप ऑन किया एंड वो नियर टू बॉयल हो गया यानी कि अब वो बॉयल होने के बिल्कुल करीब है और जैसे ही 100 डिग्री को वो क्रॉस करेगा या 100 डिग्री तक रीच करेगा तो पानी जो है वो बॉयलिंग शुरू कर देगा अब पानी जैसे ही बॉयल होना शुरू हुआ है सो यू कैन सी आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं सो यू विल सी कि पार्टिकल्स जो हैं वो इन अ सर्कुलर मोशन अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करना शुरू हो गए हैं और जैसे आप पार्टिकल्स की मूवमेंट देख रहे हो ऐसे ही पानी के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे होते हैं वाटर के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे होते हैं सो क्लास जैसे ही इन इस सर्कुलर मूवमेंट की बेसिक वजह क्या है सो इस मूवमेंट की ये वजह है कि जो पार्टिकल्स अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव करते हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट एनर्जी नियर द सोर्स सोर्स डाउनवर्ड पे है हमने स्पिरिट लैम्प उसके नीचे रखा है तो वो उसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और जैसे ही पार्टिकल्स उसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं वो एक्साइटेड होकर ऊपर अपवर्ड की तरफ मूव करेंगे देन अपवर्ड मूव करके जैसे ही वो ऊपर पहुँचेंगे तो ऊपर का टेम्परेचर नीचे के टेम्परेचर से थोड़ा कम है सो जो हीट है वो डेसिपेट हो जाएगी इन टू द एयर और इसी तरह वो दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल्स या और जिन्हें हम एज अ पेपर भी ले रहे हैं वो दोनों नीचे की तरफ दोबारा मूव करेंगे और दोबारा से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे सो इसी तरह की सर्कुलर मूवमेंट होती जाएगी और क्योंकि हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है बिटवीन द पार्टिकल्स तो पानी भी गर्म होता जाएगा और उसका टेम्परेचर रेज करता जाएगा सो क्लास कन्वेक्शन व्हाट इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्शन इज द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम actually move to the source of the heat energy to absorb heat and then move away from it ये transfer of heat है particle medium के particles के बीच में basically medium gas और liquid ही होंगे so उसमें basically होता क्या है कि source of heat energy जहाँ पर है heat energy का जो source है उसके पास वो particles जाते हैं वहाँ से heat energy को absorb करते हैं और फिर उससे दूर चले जाते हैं so this is the definition of convection Now, class, your next definition that have been given into your book is convection current. Convection current is basically the movement. So the upward and downward movement of molecules of water or gas, liquid or gas. So upward or downward movement hum dekh rahe hain of liquid or gas ki, ya water or air ki. Use hum kehte hain convection current. So this is the lecture that... is today you have studied so class aapne isko achhi tarah se is concept ko clear kar lena hai so class iske ek example main aapko dungi ki in ovens jo ghar mein hum oven use kar rahe hote hain uske andar jo heater hota hai wo basically unhone in the downward position niche ki taraf diya hota hai ya kuch ovens mein side par bhi hota hai हीटर सो बेसिकली वो क्या होता है कि जैसे ही हीट प्रोड्यूस होती है तो वही प्रोसेस के जो अंदर गैस मौजूद होती है ओवन के एयर मौजूद है गैस ओवन के अंदर तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए डाउनवर्ड मूव करते हैं एंड देन जैसे वो एक्साइटेड हो जाते हैं गर्म हो जाते हैं तो वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो इस तरह जो ओवन का टेम्परेचर है वो अपने हमें डिज़ायर टेम्परेचर के लिहाज से मिल जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें टेम्परेचर चाहिए 100 या 120 डिग्री सेल्सियस तो हमें ये इसी तरह मिलेगा जब तक कि पार्टिकल सर्कुलर मूवमेंट नहीं करेंगे तब तक उस जगह पर वो टेम्परेचर नहीं आएगा सो दिस इज़ योर दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन होप सो आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रेडिएशन को पढ़ेंगे थैंक यू